नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर 2019 का क्वेश्चन पेपर है, यानी कि पैडागॉजी ऑफ हिंदी शिक्षण का क्वेश्चन पेपर है। ओके, और इसके पहले सारे सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जा चुका है, बीएड फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जा चुका है। और हाँ, एक और बात, इस चैनल पे 2018 और 2019 दोनों का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जा चुका है। मैं आप लोगों को बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो आप लोग जान सके कि इस चैनल पे बीएड से रिलेटेड सारे मटेरियल्स उपलब्ध हैं, नोट्स हो, क्वेश्चन पेपर हो, सिलेबस हो, सब कुछ। ओके, ऑल इन वन चैनल, एक ही चैनल पे है, सारे अवेलेबल हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं 2019 का ये क्वेश्चन पेपर है, कोर्स 6 और 7। आप लोग ये समझ सकते हैं सिलेबस को देखकर। ओके, ये क्या है 6 और 7, ये 100 मार्क्स का होता है, 3 आवर्स का होता है। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न चुनते हुए कुल 5 प्रश्न बनाने होते हैं, कंपलसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन, मातृभाषा हिंदी की प्रकृति, भाषाई कौशल, अच्छी रचना की विशेषताएं, आधुनिक मूल्यांकन तकनीक, यानी कि सबके बारे में नोट लिखना है, शॉर्ट नोट, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का होता है। ओके, अभी इकाई 1 का क्वेश्चन है, भाषा का अर्थ स्पष्ट करते हुए संविधान में हिंदी भाषा की स्थिति स्पष्ट कीजिए। अक्षर विन्यास से आप क्या तत्पर्य हैं, अक्षर विन्यास संबंधी त्रुटियों के निवारण हेतु सुझाव प्रस्तुत कीजिए, इसमें से आपको एक बनाने हैं। यूनिट 2 से श्रवण से क्या तात्पर्य है, छात्रों में श्रवण कौशल का विकास करने के लिए आप किन विधियों को प्रयोग में लाना चाहेंगे, दोनों। दूसरा ये हो गया, विद्यालय पाठचर्या पर आधारित किसी गद्य पाठ का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण कीजिए। यूनिट 2 का 2 क्वेश्चन, इसमें से आप कोई भी कर सकते हैं। यूनिट 3 देखते हैं, इकाई 3, साहित्य के विभिन्न विधाएं कौन कौन सी हैं, गद्य शिक्षण विकास की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। औपचारिक व अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए व व्याकरण शिक्षण की विभिन्न विधियों के बारे में विचार व्यक्त कीजिए। यूनिट 4, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हरियाणा राज्य में प्रचलित 7वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम की समीक्षा कीजिए। प्रश्न पत्र निर्माण करते समय ध्यान रखने योग्य सावधानियों का वर्णन करते हुए ब्लूप्रिंट के महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी प्रश्न पत्र जो होता है, निर्माण होता है, 5 स्टेप में होता है। फर्स्ट टाइम योजना प्लानिंग किया जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन होगा, क्या होगा। उसके बाद वेटेज होता है कि प्रश्नों की संख्या क्या होगी, उसका मार्क्स क्या होगा, उद्देश्य जो होता है, ज्ञानोद्देश्य, बोध और प्रयोग कौशल, उसका वेटेज क्या होगा, अंक भार क्या होगा। उसके बाद विषय का उद्देश्य जो होता है, टॉपिक बाय टॉपिक, उसका अंक भार क्या होगा। उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, उसके बाद क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है, इसी टाइप का। ओके, तो ये रहा आप लोग का पैडागॉजी ऑफ हिंदी बीएड फर्स्ट ईयर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2019 का क्वेश्चन पेपर। मैं एक बार फिर से आपको कंफर्म कर दूं कि अगर आप लोगों को बीएड से रिलेटेड किसी भी प्रकार की क्यूरी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स द्वारा कमेंट कीजिए, आपके प्रॉब्लम का सॉल्व यहाँ पे होगा। ओके, और एक और बात, बीएड फर्स्ट ईयर के बहुत सारे नोट्स इस चैनल पे अवेलेबल हैं, अपलोड किए जा चुके हैं। जो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे कि हमने इतना मेहनत किया आप लोगों के लिए क्वेश्चन उपलब्ध, आप लोगों तक क्वेश्चन पहुंचाने की, क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन बैंक कहीं पे भी नहीं मिलता। ओके, जबकि इस चैनल पे 2018 और 2019 का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। अगर आप 20 में एग्ज़ाम देंगे 2020 में तो इससे आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। सो इतना तो आप कर ही सकते हैं, लाइक कर ही सकते हैं ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मेरी मेहनत आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, ऐसे ही व्यर्थ नहीं हुआ। सो आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर तो लाइक से भी ज़्यादा करें ताकि सबको हेल्पफुल, सबको इसका बेनिफिट प्राप्त हो सके। ओके, थैंक यू।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.